हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन जी। अनिल जी, हरियाणा बहुत क्रूशियल स्टेट रहा है, हमेशा 5 सालों में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार आपका दावा था कि 75 के पार हम लोग आएंगे, एक उसके करीब भी आते दिख रहे हैं, लेकिन एक संशय की स्थिति भी दिख रही है, आप क्या लगता है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी हरियाणा में, ये हमको स्पष्ट दिखता है। ठीक बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ कमी रहती है तो क्या इंडिपेंडेंट में भरोसा है या कुछ जेजेपी से कोई बात होनी? नहीं, कोई हमें कमी दिख नहीं रही, पूरी बहुमत की सरकार आ रही है। लेकिन कुछ क्या आपको लगता है कि इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे उन पे ही चुनाव ज्यादा हुआ या फिर स्थानीय मुद्दे? नहीं नहीं, हमने ईमानदार सरकार पर भी चुनाव में मुद्दा रहा, राष्ट्रीय मुद्दे तो निश्चित रूप से, राष्ट्र में तो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे तो बाहर जाके होंगे, देश में तो देश राष्ट्रीय मुद्दे होंगे ही होंगे, और हरियाणा तो सैनिक प्रधान देश है, धारा 370 का मुद्दा यहाँ रहता ही रहता है जी। सर, एक अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस ने तुरंत एक्टिविटी बदलते हुए अपनी और जेजेपी से संपर्क करने की बात भी सामने आ रही है। अब कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस ने मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री बनाया था, निर्दलीय को, एक आदमी को, तो कांग्रेस तो कहीं भी जा जाएगी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती। उन्होंने कर्नाटक में क्या किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जो अपना दुष्यंत चौटाला है वो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति जिसकी लेगेसी लेकर वो चल रहे हैं, चौधरी देवीलाल की, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की खिलाफत पर राजनीति की है, इसलिए वो इनके इस दाने और चारे में नहीं फंसेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे अनिल जैन जी, जिन्होंने काफ़ी संकेत भी दिए हैं, जेजेपी के बारे में भी उन्होंने बात कही, और एक खास बात ये भी है कि उनका ये मानना है कि अल्टीमेटली पार्टी वहाँ पर अपने दम पर सरकार जरूर बना लेगी। पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी।